दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हो रही जोर आजमाइश के बीच उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी ब्रिजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। खाबरी पूर्व सांसद हैं और इनकी पहचान एक दलित नेता के तौर पर रही है। ब्रिजलाल खाबरी को इससे पहले पार्टी ने बिहार का भी प्रभारी बनाया था। बीते विधानसभा चुनाव में खाबरी को कांग्रेस ने ललितपुर की महरौनी से मैदान में उतारा था। वे चुनाव हार गए और जमानत भी जब्त हो गई थी। अब वे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में पार्टी की नैया पार लगाएंगे। कांग्रेस ने संगठन के लिहाज से पूरे प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा है और सभी प्रांतों में अलग अलग 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कांग्रेस ने यूपी में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए यह सांगठनिक बंटवारा किया है। जिस तरह प्रदेश में लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार भाजपा सरकार में हो रहा है, ऐसे समय में जब ब्राह्मणों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने ब्रिजलाल खाबरी जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उस दलित समाज के सशक्तिकरण का संदेश दिया है और ये भी संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों के वंचितों के पिछड़ों के सम्मान में पीछे नहीं हटने वाली। ये जिम्मेवारी जो दी है पार्टी ने, पार्टी का ये हमेशा से रूल रहा है। पार्टी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। पार्टी जो काबिल लोग हैं जिनको काम दे करके जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए जो तत्पर रहता है उसको दी जाती है जिम्मेवारी। आज जो जिम्मेवारी मिली है आदरणीय प्रियंका जी ने जिस सोच के आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी है, ये तो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है और चलती आई है अभी तक। यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। तो जिस जिम्मेवारी को आज हमें दिया गया है ये जिम्मेवारी निभाने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, इसलिए उन्होंने हमें